Uh, it is the time to pay back. Assalamu alaikum, everyone. Uh, welcome to That's the Point. Uh, this is Shoaib Faruqi. I welcome you all for to another very important and very interesting discussion. और ये डिस्कशन आज का जो है वो उर्दू में है क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो कि एनर्जी प्रोफेशनल से और हम जैसे लोगों से काफ़ी किया जाता है और हमारे मुल्क में आज कल इसका बड़ा चर्चा है और सवाल ये है कि ये सी एन जी एल पी जी एल एन जी ये क्या चीज़ें हैं और इन में क्या फ़र्क है और ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पिछले सात आठ सालों में हमारे हाउस होल्ड का हिस्सा बनी और हम में से बहुत से लोगों के आ, समातों से ये टर्मिनोलॉजीज़ गुजरी और आ, अभी भी हम में से बहुत से लोगों को इसका इल्म नहीं है और मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ कि हम में से बहुत से प्रोफेशनल्स को भी इसका इल्म नहीं है और कभी कभी मैं ख़ुद भी इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ तो इससे पहले हम आगे चलें डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डेट्स द पॉइंट टू स्टे इन टच विद मी एंड टू लिसन टू लॉर्स ऑफ इंटरेस्टिंग डिस्कशंस कमिंग फॉरवर्ड टू योर वे सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल गैस के ऊपर क्योंकि पाकिस्तान एक आ, बड़ा खुशकस्मत मुल्क है कि जहाँ पर आज भी और पिछले चालीस सालों से घरों तक गैस जो है वो पाइप लाइन के थ्रू जाती है और आ, हम वो खुशकस्मत कौम हैं जिसको ये नियमत जो है उन्नीस सौ बावन में मिल गई सुई गैस फील्ड की डिस्कवरी की सूरत में और अभी मैं आपको स्क्रीन पे एक तस्वीर दिखाऊंगा जिसके अंदर जनरल एयूब खान साहब जो हैं वो सुई गैस फील्ड पे 1953 में एक वेल हेड के ऊपर मीटरिंग का अफ्तः कर रहे हैं जिसके अंदर गैस मेजर होगी एक वेल से जो कि आगे पाइपलाइन को जाएगी और यही वो वक्त था कि जब इंग्लैंड में यूके में आ, कोल जलाया जाता था क्योंकि उनके पास नेचुरल गैस नहीं थी अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए और 1954 के बाद एक वक्त ऐसा आया जब इंग्लैंड में इतनी सर्दी पड़ी तो इतना ज़्यादा कोयला जलाया गया कि उस कोयले की वजह से कार्बन मोनोक्साइड जो निकली आ, उसने ओज़ोन लेयर को तो डैमेज किया ही किया लेकिन एक आसमान के ऊपर एक काले सया रंग का कोहरा बना लिया कार्बन का जिस कार्बन से जो है वो वहाँ की आबादी में बहुत से लोगों की अमवाद भी हुई उनको सांस के अमराज हुए लेकिन हम वो खुशकस्मत कौम है जो 1953 से ये नेमत जो है भेज बहा इस्तेमाल कर रही है अपने घरों में इस्तेमाल कर रही है और अब वो वक्त आया है कि जब हमें कभी कभी हमारा चूल्हा जो है वो बुझ जाता है ख़ासतौर पर मैं बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ बहुत से ऐसे शहरों में तो अभी भी इस ने, नेमत आ, से वो महरूम है लेकिन मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि कतर जो कि दुनिया का तीसरा बड़ा गैस का जखीरा जिसके पास है वहाँ भी आज तक घरों तक गैस जो है वो पाइपलाइन के ज़रिए नहीं पहुँचाई जाती तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मीथेन गैस की इस मीथेन गैस का जो फार्मूला है वो सी एच फोर है सी एच फोर के मतलब इसके अंदर जो कार्बन का एटम है उसके साथ हाइड्रोजन के चार आइटम जो हैं वो मिले होते हैं इसका केमिकल फार्मूला है और ये एक आ, टेस्टलेस ऑर्डरलेस गैस है यानी इसमें अंदर कोई बदबू खुशबू नहीं है इसका कोई टेस्ट नहीं है ये नज़र नहीं आती आ, और ये ज़मीन से निकाली जाती है आ, ये आ, गैस जो है ये ज़मीन से भी निकाली जाती है और इसके अलावा इंसानी और जितने भी और हैवान आ, इस कुरर्स पे ज़िंदा हैं उनका जो वेस्ट है उससे भी ये गैस बनती है जेर ज़मीन जो कोल की सीम्स हैं उसके ऊपर भी इस गैस का जखीरा होता है पानी के अंदर भी जो ज़मीन है उसकी क्रस्ट में भी इसका ज़ख़ीरा होता है इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है गैस हाइड्रेट्स यानी जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और वहाँ पे पूरे साल ही इतनी सर्दी रहती है कि पानी जो है वो जमा रहता है उसके अंदर भी जो है आ, किसी तरह अल्लाह ताला ने इस गैस के जखीरे रखे हैं तो ये गैस जो है ये आ, जब इसको आग दिखाई जाती है तो उसमें शोला दिखाया जाता है तो इसमें आग जलती है और उसके बाद जो है आ, कार्बन आ, जलता है और वो एमिट होता है हमारे एनवायरनमेंट में तो ये तो इसकी बेसिक आ, टाइप है नेचुरल गैस की सी एच फोर जिसको मीथेन गैस कहा जाता है अच्छा उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी आज से दस साल पहले हमारे हमने सुनी सी एन जी इसका जो मतलब है वो है कंप्रेस नेचुरल नैश, गैस यानी कंप्रेस नेचुरल गैस का मकफ़ जो है वो सी एन जी है और सी एन जी का मतलब यह है कि जब इस मीथेन को इस मीथेन गैस को हम इतना कंप्रेस कर दें किसी एक कंटेनमेंट में के उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा के इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सके क्योंकि जब उसको एक कंटेनमेंट के अंदर एक आ, हजम के अंदर जमा कर दिया जाएगा आ, तो वो उसके अंदर प्रेशर बिल्डअप होगा और उस प्रेशर की वजह से जो है वो आगे इस्तेमाल के काबिल होगी क्योंकि ये गैस जब ज़मीन से आती है तो अपने एक नेचुरल प्रेशर के साथ आती है लेकिन आ, जो आ, बायो गैस बनाई जाती है आबी हयात जानवरों के बेस्ट से इंसानी बेस्ट से उस उस के अंदर इतना प्रेशर नहीं होता कि उसको जो है वो हम अपने रोज़मर्रा के लिए इस्तेमाल के काबिल बना सकें अच्छा जी इस सी एन जी गैस को जो है वो ग्रीन गैस का भी नाम दिया गया जब इसकी मार्केटिंग की गई और उसको कहा गया कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है क्यों क्योंकि जब इस मीथेन गैस को कंप्रेस किया जाता है तो इसके वन परसेंट यानी टोटल वॉल्यूम का वन परसेंट लेके उसको कंप्रेस किया जाता है और एक कंटेनमेंट में भरा जाता है तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि जो है वो एक जगह पे कितना कम इसकी मकदार जो है वो प्रेशराइज की जाती है और कितनी कम मकदार में ये उस आउटलेट से निकल के जलती है इससे फ़ायदा ये हुआ इस टेक्नोलॉजी से कि जो है गैस की बचत हुई और कार्बन इमिशनस कम हुए और गैस जो है जो कि मुख्तलफ़ दूर दराज इलाकों में कहीं पड़ी हुई थी उसको इस्तेमाल के काबिल बनाया गया और इसको हमने अपनी गाड़ियों में भी इस्तेमाल होते देखा इसको हमने अपने घरों में भी इस्तेमाल होते देखा और ये एक गैस को इस्तेमाल करने का यानी नेचुरल गैस को जो कि मीथेन कहलाती है उसको इस्तेमाल करने का एक मेकनिज़म है जिसको सी कहा गया तो सी कोई नई किस्म की गैस नहीं है ये वही गैस है जो नेचुरल गैस है और लेकिन इसको जब एक कंटेनमेंट में भर दिया गया प्रेशराइज कर दिया गया और इस्तेमाल के काबिल बना दिया गया उसको नाम दिया गया सी अच्छा अब आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे एक छोटी सी डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसके अंदर जब प्रोसेस दिखाया गया है कि कैसे ने, नेचुरल गैस को सीएनजी में तब्दील कर दिया जाता है और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि पहला टैंक है पहले फ्लो मीटर के थ्रू उस टैंक में आई है उसके बाद फिर उसको कंप्रेस किया गया और कंप्रेस के बाद उसको डिस्चार्ज के लिए लेके जाया गया और उसके अंदर जब हम उसको कंप्रेस किया जाएगा तो वो गर्म हो जाएगी तो उसको ठंडा किया गया और फिर इस्तेमाल के काबिल बनाया गया और डिस्चार्ज लाइन तक ले जाया गया अच्छा अब इसी से मिलती जुलती एक और चीज़ जो कि अब आजकल हम बहुत सुन रहे हैं आजकल से मुराद जो है आज तकरीबन 27 सितंबर 2021 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज से तीन साल पहले चार साल पहले हमारे मुल्क में एक नई टर्मिनोलॉजी मुतारफ कराई गई एल एन जी एल एन जी क्या है एल एन जी का मतलब है लिक्विफाइड नेचुरल गैस और ये भी उसी मीथेन गैस को कारमद बनाने का एक तरीक़ा है और उस प्रोसेस का नाम है ये कोई नई तरह की गैस नहीं है और ये भी मीथेन गैस है और इसके अंदर थोड़ा सा इथेन का यानी सी टू एच सिक्स जिसका केमिकल फॉर्मूला है उसको जो है शामिल कर दिया गया है और कहा गया कि ये इसलिए ये तरीका कार इजाद हुआ कि जब दूर दराज इलाकों में गैस दरियाफ़त हुई जहाँ समंदर में पहाड़ों में और जहाँ पे उसका यूज़र मौजूद नहीं था यानी उसका उसको कंज्यूम करने वाला मौजूद नहीं था तो उसको उन जगहों तक ले जाना था यानी शहरों तक लाना था तो ये जो प्रोसेस है इसके अंदर गैस को जो नेचुरल गैस है उसको इतना ठंडा किया जाता है कि वो लिक्विड बन जाए यानी अपनी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर ले यानी वेपर फॉर्म से जो है लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए और उस लिक्विड को एक प्रेशराइज कंटेनमेंट में भरा जाए और उसको फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए अच्छा ये जो एल है इसकी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये जो नेचुरल गैस के 600 सौ मोलिक्यूल्स हैं उनको एक मॉलिक्यूल के अंदर आ, समो दिया जाता है यानी जब उसको लिक्विफाई किया जाता है तो नेचुरल गैस के 600 मॉलिक्यूल्स को एक लिक्विड मॉलिक्यूल में तब्दील कर दिया जाता है तो इससे ये होता है कि कम जगह पे ज़्यादा गैस आ जाती है ठीक है उसके बाद इस किस्म के कंटेनमेंट्स बनाए जाते हैं जिसके अंदर इन 600 मॉलिक्यूल जो कि अब एक मॉलिक्यूल बन गया है ऐसे हज़ारा मॉलिक्यूल जो हैं वो एक जगह पे जमा कर दिए जाएं, ताकि बहुत सी नेचुरल गैस के मॉलिक्यूल्स एक जगह आ जाएं और उनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाया जा सके अच्छा अब इनको ले जाया कैसे जा सकेगा ज़्यादातर जो आ, आ, इस वक्त दुनिया में यूज़ हो रहा है वो एल एन जहाज़ हैं पानी के जो कि पानी पे तैरते हैं और उनके ऊपर इन टैंक्स को रखा जाता है जिनके अंदर ये मॉलिक्यूल्स होते हैं और कहा ये जाता है और कहा ये जा रहा है और इस, इस इसका तजुर्बा पूरी दुनिया ने किया और कामयाब तजुर्बा किया कि ये बहुत ही सेफ़ तरीक़ा है गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए और बहुत ही इकोनॉमिकल भी है ना कि बहुत बड़ी बड़ी पाइपलाइंस जो हैं वो डाली जाएं और उसके ज़रिए जो है वो गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके तो एलएनजी जो है वो एक आ, आ, अगेन एक तरीका नेचुरल गैस को जो मीथेन है जैसा मैंने बताया एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए और कम जगह में ज़्यादा क्वांटिटी ले जाने के लिए ये ये तरीक़ाक इस्तेमाल होता है और जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वापस आती है ये गैस तो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाती है अच्छा एक और दिलचस्प बात मैं आपकी मालूम में इसमें इजाफ़ा करूं कि ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर इस नेचुरल गैस को लिक्विड में तब्दील किया जा रहा है यानी मैंने जैसा आपको बताया कि उसको इतना ठंडा किया, तो किया गया तो कितना ठंडा किया गया तो ये है कि इसको 160 आ, डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया गया और उसको फिर जाके वो लिक्विड फॉर्म में तब्दील हुआ और उसको कंटेनमेंट में भरा गया Uh, मैं आपको अब स्क्रीन पे इस प्रोसेस की एक हल्की सी झलक दिखा रहा हूँ मैंने तो बड़ा आसान कर दिया आपके लिए लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है अगर आप तो अपने स्क्रीन पे देखें तो ये एक प्रोसेस फ्लो है जहाँ फीड गैस यानी जहाँ से गैस ली गई वो इस प्रोसेस का हिस्सा बनी उसको रीजेनरेट किया गया उसके अंदर फिर प्रोपेन रीजनरेशन हुई एम सी आर रीजनरेशन हुई यानी ये प्रोसेस कहलाता है जिसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी था उसके अंदर उसको रिमूव किया गया उसको फिर स्क्रब कॉलम में डाला गया और उसको फिर आगे ले जा ले जाके लिक्विफाइड फॉर्म में तब्दील कर दिया गया और एक स्टोरेज में भर दिया गया और ये स्टोरेज जो है उसको फिर या तो शिप के ऊपर लोड कर दिया गया या किसी ट्रक के ऊपर लोड कर माउंट कर दिया गया ताकि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके तो मैं फिर क्लैरिफाई करता चलूँ कि नेचुरल गैस को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए कार बनाने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल हुए उसमें पहला प्रोसेस सी एन जी कम्प्रेस नैचुरल गैस दूसरा प्रोसेस एल एन जी लिक्विफाइड नेचुरल गैस और पाकिस्तान में एल एन जी आज से पाँच साल पहले आना शुरू हुई और ये शिप्स के ज़रिए आ, पानी के जहाज़ों के ज़रिए आना शुरू हुई और इसके टर्मिनल्स जो के पोर्ट पर लगाए गए वो भी परमानेंट जो हैं फिक्चर्स नहीं हैं वो भी आ, पानी के जहाज़ ही हैं जिनके अंदर वो मशीनरी लगी हुई है कि जिस जो इनको री गैसीफाई करके पाइपलाइन के अंदर अपनी नेचुरल फॉर्म में पंप कर सके और जिसको हम एलएनजी टर्मिनल कहते हैं इस पर फिर मज़ीद कभी बात करेंगे लेकिन आ, ये प्रोसेस मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया और बताया कि एल क्या चीज़ है अच्छा एल का जो एक्सट्रैक्ट करने का या उसको बनाने का प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये सबसे ज़्यादा हाईली इनफ्लेमेबल गैस है इसके सेफ़्टी प्रिकॉशंस सबसे ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू एल एन जी एन सी एन जी और इसके अंदर जो एक सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि क्योंकि ये हवा से भारी है और नेचुरल गैस से भी भारी है तो इसका एक ट्रेंड है कि अगर ये लीक होगी हवा में तो ये ज़मीन की तरफ जाएगी यानी हवा में एपोरेट वैपोरेट नहीं होगी और ये ज़मीन की जगह जाएगी यानी ये नीचे आ, की तरफ ट्रैवल करेगी और अगर इसमें खुदा ना करे आग लग गई तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक क्रूड या मट्टी का तेल या पेट्रोल जो है उसमें आग लग जाए और वो बहता चला जाए और वो अपने साथ जो है उस आग को आगे लपेट के लेता चला जाए और नुकसान पहुंचाता चला जाए तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत है इसको यूज़ करने के लिए और इसकी लिए राइट एप्लीकेशन जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अगेन मैं ये बात करूँगा कि पाकिस्तान क्योंकि माला माल है आ, इन इन झाइर से जिसमें मादनियात हैं हाइड्रोकारबनस हैं तो पाकिस्तान में जो गैस निकल रही है उसमें बहुत सी गैस फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ पर वेट गैस यानी हेवी गैस निकलती है और उस हेवी गैस से जो है आ, 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 उसके साथ कंडेंसेट भी आता है और उसको एक अच्छा गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी लगा के उसमें से एल बनाई जा सकती है और बनाई जा रही है लेकिन अभी भी जो है एल पी जी का सही इस्तेमाल जो है वो हमारे मुल्क में कम है अच्छा जी अब हम अपनी तीसरी टॉपिक को थोड़ा सा कवर करते हैं जो कि कहलाता है एल पी जी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और ये मे मेरे लिए सबसे दिलचस्प चीज़ है क्योंकि ये सब इन इन दोनों फॉर्म्स में सबसे कीमती चीज़ है और ये जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो हमारे मुल्क में सबसे यानी पावर्टी लाइन पे हैं या पावर्टी लाइन से थोड़ा ऊपर हैं यानी ये गैस जो है ज़्यादातर बड़े सिलेंडर्स में भर के खाने पीने के जो वेंडर्स हैं जो खाना बनाते हैं आ, इवन जो मूँगफली वाला है जो कि मूँग ठेले के ऊपर लेके जाता है वो भी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एल इस्तेमाल कर रहा होता है तो एल जो है वो आ, ऐसे प्रोसेस से निकलती है जिसके अंदर नेचुरल गैस जब ज़मीन से ज़मीन की सतह पे आए तो उसमें पता ये चले कि इसके अंदर थोड़े से हैवी कंपोनेंट्स हैं यानी ऐसी गैसेज़ हैं जो कि हवा से भारी हैं और मीथेन से भी भारी हैं जिसके अंदर ब्यूटेन है प्रोपेन है इनकी शमूलियत का जब अंदेशा हो तो फिर एक प्रोसेस गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी के ऊपर लगाया जाता है जिसके थ्रू एल को उस नेचुरल ड्राई गैस से अलग कर लिया जाता है और क्यों अलग कर लिया जाता है क्योंकि इसके अंदर बर्निंग कैपेसिटी आम मीथेन से ज़्यादा होती है अच्छा एक जो बड़ी अहम चीज़ अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे आप देखिए ये जो है एक बहुत सादा सा प्रोसेस फ्लो है एल पी एक्सट्रैक्ट करने का लेकिन ये uh, इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और ये रिफ़ाइनरीज़ uh, में भी किया जाता है इसके अलावा ये फ़ील्ड्स के ऊपर यानी गैस प्रोसेसिंग फील्ड्स के ऊपर भी किया जाता है और आप देखें कि किस तरह से किन मरल से गुज़र के ये गैस जो है वो अब इस्तेमाल के काबिल बनाई जाती है इसके अंदर uh, सबसे पहले uh, ये है कि जो फीड सेपरेटर है जानी जो नेचुरल गैस जब आएगी उसमें से जो पानी है कंडेंसेट है उसको सेपरेट किया जाएगा फिर उसके बाद जो है वो गैस आगे जाएगी और फीड लिक्विड शिपर स्ट्रिपर के अंदर आ जाएगी और उसके बाद जो है फिर रीबॉयल uh, की जाएगी और उसके बाद जो है uh, उसमें से एलपीजी uh, एक्सट्रैक्ट uh, कर ली जाएगी uh, तो ये एक सादी सी डायग्राम है आ, सिर्फ आपको ये बताने के लिए समझाने के लिए क्योंकि हम एक आ, ये जो हमारा टॉपिक है आज का ये बहुत ज़रूरी इसलिए है उन लोगों के लिए जो ये टर्मिनोलॉजी सुनते हैं आ, जो कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल लोग नहीं हैं या वो स्टूडेंट्स या वो प्रोफेशनल्स जो आगे इन चीज़ों को अपनाना चाहते हैं अपने अपने कैरियर को इस सिमत में डालना चाहते हैं क्योंकि आ, ये आने वाले दिनों में इन तमाम टर्मिनोलॉजीज़ का और इन चीज़ों का इस्तेमाल ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता नज़र आ रहा है आ, इसके अंदर एक और टर्मिनोलॉजी है जो कि आर एल आर एल एन जी कहलाती है और अक्सर अखबारों में आप देखते होंगे कि ये टर्म टर्म आ, सामने आती है और आर एल एन जी का मतलब है री एल एन जी लिक्विड लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस थी वो अपनी पहले वो नेचुरल गैस थी फिर वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस में तब्दील हुई उसके बाद उसको एक जगह दूसरी जगह ले जाया गया और उसको फिर री किया गया ताकि उसको पाइपलाइन में पम्प किया जा सके अच्छा जी तो अब हम इस दिलचस्प टॉपिक को ख़त्म करने की जानब हैं और मैं आपको याद दिलाऊं कि हमने इस टॉपिक में ख़ास पे कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी का ज़िक्र किया जो हमारे सुनने में बहुत ज़्यादा आती हैं इसमें सी एन जी एल एन जी एल पी जी आर एल एन जी इसको हमने बड़े आ, उम, ऐसे अंदाज़ में आ, सहल अंदाज़ में मैं ये कहूँगा समझाने की कोशिश की उन लोगों के लिए जिनके लिए टर्मिनोलॉजीज़ आज भी नहीं हैं यकीन आगे आने वाले दिनों में हम आ, इन इन आ, शोबों से रिलेटेड लोगों से भी बात करेंगे एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और इन इस डिस्कशन को इन मजीद टेक्निकल पहराहे में डिस्कस करेंगे आ, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आ, मुझे यकीन है कि आप आ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और इससे इससे मुंसलिक रहेंगे क्योंकि इस किस्म के टॉपिक्स जो कि हमारे डे टू डे ज़िंदगी में आम लोगों को नहीं पता है उन पे हम मज़ीद बात करेंगे और ख़ास तौर पे इसका मकसद जो है नई जनरेशन नए जो तलबा हैं तलबात हैं उन तक इस बात को इन कॉन्सेप्ट्स को ले जाना है जो कि दुनिया में पनप रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं और इस पर बहुत काम हो रहा है बात की जा रही है तो हमें भी चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द इन तमाम चीज़ों को देखें जैसा मैंने शुरू में बताया कि हमारी हिस्ट्री तो बड़ी रिच है हमने बड़े बहुत शुरू में इन चीज़ों को अपना लिया था और बहुत देर से फिर अब इनकी इस इन इन शोबों की जिद्दत की तरफ हम गए हैं तो बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जो का अपना ढेर सारा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़